इस पृथ्वी पर हम सब लोग एक सफर ही तो कर रहे हैं, जिंदगी का सफर। जाने अनजाने में हम कुछ देख रहे हैं, कुछ अनदेखा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम सब के लिए ये कर्म अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं। कभी कभी इस सफर में हम गलती करके फंस भी जाते हैं। इस सफर में कुछ अनजाने लोग भी हमारे साथ चलते हैं। चिंता के सफर में एक सच्चा दिलदार दोस्त और उसके साथी जब मिलते हैं, तब प्रकृति भी उनका साथ देती है। मिले हुए वो दो मन प्रकाशित होकर पर निकालकर आकाश में उड़ते समय अचानक उनके जिंदगी के इस सफर में एंटर होती है। कहानी का क्लाइमैक्स दुबई के डेविड को बोल दिया, नंदा बजट के बारे में बताओ जरा। बजट के बारे में सुनने पर विनय आश्चर्य हुआ। पागलपन का दौरा पड़ा क्या? कैसे हमारी कहानी ओके हो गया ना? लियो का खूबसूरत संगीत सीन खत्म होने के बाद उसको सुनने डायरेक्टर आया। कहां तक पहुंचे? 40 सीन लिख दिए हैं सर। और थोड़ा जल्दी करो, हम मरीन ड्राइव में एक फ्लैट ले लें। स्क्रिप्ट अच्छी है, वहां रहेंगे तो और अच्छा लिखेंगे। तुम जैसा कहोगे वैसे ही करना होगा क्या? मतलब आजकल का ट्रेंड ही बता रहा हूं मैं, फ्लैशबैक से ही हमारी कहानी शुरू होती है। पहला सीन, शाम का वक्त है, बीच में एक 3 साल की बच्ची खेल रही है। उसको वैसे ही उठा के हवा में घुमा रहा था एक इंसान। उस बच्ची पर अमला खुश हो रही थी, उसे ध्यान न देकर बाप और बेटी अपने में मस्त। गांव में एक घर है, अपना काम खत्म करते हुए लक्ष्मी पैक कर रही थी। बाहर गाड़ी साफ कर रहा था अनंतु। सर वहीं पर हमारे फिल्म के टाइटल स्टार्ट होते हैं। एक गीत मेरे दिल से निकला, जो प्यार बनकर तुम पे समाया। मन की है एक प्यास जिसकी वो तुम्हें लगता, सुख और दुख है जीवन की रीत। एक गीत मेरे दिल से निकला, जो प्यार बनकर तुम पे समाया। देता सूर्य है, श्याम होते ही ढलता है वो सूर्य।
सूर्य है, हा हा पानी की लहरे मन में हलचल मचा जाती है लहरे। प्रियतमा है कहीं पर जो आने लगी है, करीब है वो प्यार का मौसम बनने लगा है। राग जो दिल से निकला है अब किसी के दिल में वो प्यार जगा जाएगा। तुम भी अगर समझो उसे, उसके जीवन में घर अपना बना सकती हो। प्यार का ये मौसम आया, संगीत बना इस कविता से, हम और तुम आओ उसमें मिल जाओ। एक गीत मेरे दिल से निकला जो प्यार बनकर तुम पे समाया। मन की है एक प्यास जिसकी वो तुम्हें लगता, सुख और दुख है जीवन की रीत। एक गीत मेरे दिल से निकला जो प्यार बनकर तुम पे समाया। You are so handsome. Thanks. थोड़े पैसे की जरूरत पड़ी थी इसीलिए मैंने आपको याद किया। It's okay. Excuse me. Hello. Yes. Uff, बहुत मुश्किल है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। जब देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आती है। एक्सक्यूज मी। यस सर। तुम्हारी कंपोजिंग एक्सलेंट है। थैंक यू सर। हाँ, इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। ओह गुड। अगर तुम उसे कंपोज करोगे तो अच्छा लगेगा। उतनी अच्छी नहीं लिखी है मैंने। आई एम नॉट दैट गुड बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके, ये बाद में आके आपको लिरिक्स दे देंगी। ओके थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। सेम विद यू। प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व हो रही हैं। मैडम के बारे में कुछ नहीं बताया। उनके बारे में बात करना नहीं चाहता। एनीवे लेट अस मीट अगेन। ओके थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। बाय। रिलैक्स रिलैक्स। मैं ऐसा कह रही हूँ तुम नाराज मत होना, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं है, बताना चाहिए ना। वो तुम्हारी वजह से आजकल बहुत डिस्टर्ब है। अगले हफ्ते वो मुंबई आ रहा है तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए। वो सुनने के लिए बहुत बेताब थी कभी मैं। अपने सब लोगों को मैं दूर छोड़ाई, वही मेरी दुनिया है ये मैं समझती थी, मेरा दिल नहीं।
बाकी सब कुछ उसे चाहिए ये समझ गई हूँ मैं। अब बहुत देर हो गई है। वो कश्मीरी लड़की के साथ शायद उसकी दाल नहीं गली है। अगर आपको मुझ पर थोड़ी भी दया है तो मुझे नहीं चाहिए ये बोल दीजिए। उस आदमी के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। सॉरी डियर, सुबह सुबह मैं तुम्हारा मूड खराब करना नहीं चाहती। हाँ, 11 बजे हमें ज्वेलरी शॉप की इनॉग्रेशन के लिए जाना है। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम अपनी तरफ से प्रूव करने का एक चांस दे सकती हो। तुम उसको छोड़कर आई हो, ये ठीक है या गलत है इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ए मधु भाई ने ओके कर दिया है। ये ब्याज वगैरह देना मुश्किल कह दिया है। फिर भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। किसी तरह करके दो ना यार। हेलो शाजी। हाँ, कैसे आना हुआ? मैंने कहा था ना। अच्छा बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा पैसा थोड़ा जरूरत है, इसके लिए कुछ कीजिए ना। वो सब इस वक्त नहीं हो सकता, पहले ही बहुत कमी हो रही है मेरे पास। अभी नहीं होगा, बाद में देख लेंगे। मैं दूंगा, जरूर दूंगा, मैं रेडी करके दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सर। ओके मदन भाई, जानते हो ये कौन है? अरे इस समय आके तुम परेशान कर रहे हो, जाओ घर में जाके ले लो। गाड़ी थोड़ा संभाल के। हाँ देख लूंगा, देख लूंगा। तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ देख लूंगा, लड़की है क्या? आजकल गाड़ी वाले ही जी रहे हैं। मुझे एक डाउट है, लगता भगवान तुम्हारे साथ ही है, ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं लगता? इसी बीच उस फर्नांडिस ने एक लॉज को ही खत्म कर दिया। हाँ क्या, हे भगवान, हमने कितने लॉटरी लिए, एक भी लग जाए तो मजा आ जाए। लॉटरी निकल जाए तो तुम्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ क्या हुआ, आनंद तो नहीं आया क्या? नहीं भैया। अरे अच्छे, जब अर्जेंट में फोन करना होता तो लाइन ही नहीं लगती है। तुम बिल्कुल मत घबराओ, वो जरूर आ जाएगा। मैं क्यों घबराऊंगी, मुझे कोई घबराहट नहीं है। बैंक लोन जब पास हो गया था मैंने तभी कहा था कि मैं नर्सिंग के लिए जाऊंगी। तभी मम्मी ने ही कहा था कि पैसे नहीं है तो क्यों जाना, तभी सब आराम से रह सकते हैं। तुम्हें तो पता है ना भैया, इसको नर्स बनाने के लिए इसके पिताजी कितना चाहते थे। मिलते हैं यार। देखो आनंद तो आ गया। क्या हुआ बेटा? जितना मांग रहे थे उतना नहीं मिला, ऐसे कह रहे थे वो लोग। ऐसा क्या? थोड़े और पैसे मिल जाए तो एक और को निपटा सकते हैं। अब यहाँ से खिसकोगे कि नहीं बोलो तो सही। अंदर आ जाइए, कॉफी पीकर जाइए। हेलो। हेलो माधुरी जी, क्या? हेलो हेलो, आप माधुरी है ना? आप कौन है? मेरा नाम तुषार है, भूल गए क्या? तुषार? हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा है, नेटवर्क यहाँ ठीक से नहीं लग रहा है। माधुरी उस दिन बहुत शराब पी के मैं नीचे गिर गया था। मुझे याद आया। तुम जल्दी में कहीं बाहर जा रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं वैसे। हेलो माधुरी, लाइन में हो ना? आई एम सॉरी माधुरी, उस दिन के बाद मैं बात नहीं कर पाया। उसके बाद तो मिले भी नहीं ना? मिल सकते हैं उस दिन के तरह जिस तरह हम लोग ने। सॉरी वो सब पुरानी बातें हैं। ऐसे ठीक है, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। यू आर सो नॉटी। मैं थोड़ी बिजी हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अभी कहाँ हो? मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। सो व्हाट, गाड़ी चला रही हूँ, बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके बाय। बेकार परेशान कर रहा है, बड़ा बोरिंग बंदा है। एक दिन में एक बार तो सफाई करनी चाहिए। आदमी ये सब करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज सुबह दिया जलाना चाहिए। अगर कुछ लेकर आएंगे तो दिन में 3 बार खा सकते हैं। मेरी माँ के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं ना? देखिए आप मुझे छोड़कर शहर घूमेंगे ये मत सोचिएगा, मैं गाड़ी पकड़ कर आ जाऊंगी। क्या सुन रहे हैं क्या आप? अरे ओ पागल, मैंने तुझे पहले कहा था कि यहाँ के SM कॉलेज में जाऊंगी, तब तुम मुझे नहीं देख पाओगे।
और अपनी मम्मी की ताल पर तुम नाच रहे थे, अब पछताने से क्या होगा। मुझे ये नर्सिंग वर्सिंग पसंद नहीं। मैं पास हो जाऊंगी, ऐसा आशीर्वाद दो मुझे। चल भाग यहाँ से। जाओ जाओ, देर हो रही है। तो तुम नहीं आओगे क्या? मैं नहीं आऊंगा। अपनी गाड़ी गिरवी रखी है या बेच दी है? मैं आम खाने से मतलब है, घुटले से क्या लेने देना। जब जरूरत पड़ती है तो मदद करने के लिए कोई नहीं आता, पता है। तुम्हें अच्छी तरह पढ़ना होगा। कॉलेज में ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। देखा कौन आ रहे हैं, देखा आपने? चुप रहो। बस तैयार है निकलने के लिए, रेडी। चलो चलो जल्दी चढ़ो बस में, चलते हैं। हाँ लियो, शाम को 4 बजे कॉफी शॉप में मिलते हैं, ओके? सैमसंग की म्यूजिक में गाने के चांस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, इसीलिए मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ। हेलो, सैमसंग ने मेरी फिल्म में पहली बार म्यूजिक दिया था, आजकल वो दुनिया में नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर है। भैया आप उनसे एक बार कहेंगे तो? ठीक है, मैं फोन करके बोलता हूँ। वो बिजी होने का एक्टिंग करेगा लेकिन मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, टैलेंटेड लोग को वो छोड़ता नहीं है, ट्राई करो। तुमने फोन किया था क्या? आप लोग? हम लोग डायरेक्टर मैडी सर के कहने पर आए हैं, सैमसन सर से मिलने आए हैं। वो बहुत बिजी हैं, काम नहीं हुआ, टाइम लग जाएगा। तुम एक काम करो, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम इंतजार मत करो, अगले बुधवार तुम फोन करके आ जाना, ओके? ठीक है सर। हाँ आने वाला पल है जीने का, आने वाला पल है जीने का, सबको है यहाँ जीना, जाने वाला कल है, दिया मरना आना जाना तो लगा ही रहता है। आने वाला पल मधुर गीत है सबसे प्रीत है, इसमें जीत है मन का है ये भाव, प्यारा संगीत है उसमें मिठास है, इसमें हमको जीना, राग जीवन प्रेम जीवन बनके तुझको है बढ़ना,
बन के सपना मैं ये गाऊं, मैं भी संग संग संगम बन के दोनों गाए नन्ही सी। सबको गाए सब समाए मेरा प्रयास है दिल की ख्वाहिश है सरगम गीत मेरे प्यार का एक प्रेम का बन के राग मन की इच्छा जागे बन के गीगी संगीत रस ने गोला आने वाला पल है जीने का सबको है यहाँ जीना जाने वाला कल है जीना मरना आना जाना सबको ही रहता ने हालापन। वो बेचारा है, पता नहीं मेरे पीछे क्यों घूमता रहता है। तुम जो कह रही हो उसे समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है। उन्होंने जो बोला है उनकी बात का बुरा मत मानना, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बात समझने वाली है, हम सबसे ज्यादा वो बस तुम्हें ही चाहता है। ऐसे मत देखो, उसके साथ समय गुजारना जरा सा मुश्किल लगता है। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मधु ज्यादा मत बोलो, He feels it। कई बार मुझे भी लगता है पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। ज्यादा मत बोलो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। ऐसे कितने ही लोगों को देखा है मैंने, हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। उल्टे सीधे लोगों से उलझेंगे तो हमें ही परेशानी होगी, यही अपनी जिंदगी के अनुभव से मैंने सीखा है। चाहे कुछ भी हो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। हेलो नीरज, How are you? Of course. Welcome. हाँ, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जब भी देखो तुम आदमियों के बारे में ही बात करती रहती हो, तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करना है सोच कर छोड़ दिया। नीरज ने ही फोन किया था, वो हैदराबाद को बेस करके, समझ गई ना तुम। पिछले हफ्ते एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था ना, वो फोन पर फोन करके मुझे पूछ रहा है क्या करना है। वैसे तुम उसे बहुत पसंद आई हो, तुम्हें बहुत याद कर रहा था वो। ही इज अ बिग शॉट, तुम करेक्ट एम करोगी तो एक बड़ा जैकपॉट मिल सकता है। तो वो जैकपॉट तुम अपने पास ही रखना, ठीक है? हाय लियो। हेलो सर। ओ सॉरी लियो, मैं तुम्हें फोन करना भूल गया। यही है लियो, बहुत अच्छा सिंगर है। तुमसे मिलने की बहुत दिन से कोशिश कर रहा था, बहुत दिन से चांस के लिए ढूंढ रहा था। तुम्हारे स्टूडियो भी आया था ये? ओ, उस दिन थोड़ा बिजी था इसलिए मिल नहीं पाया। इससे पहले कुछ गाया है क्या? एक दो डिवोशनल एल्बम्स में गाया है सर। सीडी भेज देना, मैं देख लूंगा। ओके ठीक है सर।
ठीक है। आने दो पीछे आने दो। आ, 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 और थोड़े आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ और पीछे आऊं क्या? हाँ ठीक है। अच्छा कोई काम होगा तो बुलाना भाई। हाँ जरूरत होगी तो बुलाऊंगा। ठीक है चलता। हाँ। समझती क्यों नहीं हो? He demands you. वो बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है। दो दिन के लिए तुम्हें एडजस्ट करना ही पड़ेगा, मैं कह देती हूँ। वो अपने बारे में कितना खुल के बात कर रहा था, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, समझा करो यार। नो मधु, तुम मेरे बारे में अच्छी तरह जानती हो। पैसों के बारे में तुम्हारा जो लालच है उससे तुम और भी खराब होती जा रही हो। किसके लिए तुम इतना कमाना चाहती हो? कभी भी अपनी जिंदगी में एक अच्छी औरत बनकर रही हो तुम? मधु, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं झेल सकती। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। ड्रामा खत्म हो गया? तुम मुझसे ही जबान चला रही हो, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? मेरे कारण ही तो तुम्हारी इतनी पहचान हुई है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही एक आदमी घुस आया था। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से समझा है, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसे याद रखो। उस आदमी के साथ उस कमरे में मेरी जिंदगी खराब हुई थी, वरना मैं भी तुम्हारी तरह थी। वो वाकया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब इस तरह सेंटिमेंट होने से कोई फायदा नहीं है। अगर जिंदगी को हमने ठीक से नहीं अपनाया तो वह हमें छोड़कर बहुत आगे निकल जाएगी। उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। दैट इज माई बिजनेस, हैव अ कस्टमर हैव अ सर्विस। वो देवराज मेरा क्लाइंट है। मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो अपने बारे में। जिंदगी भर ऐसे ही गुजारने की मत सोचो। मैंने जो तुम्हें फोन दिया था वापस ले रही हूँ। दिस इज बिजनेस। अकाउंट्स वगैरह मैं अपडेट कर दूंगी। तुम बहुत सॉफ्ट और अच्छी दोस्त थी मेरी, पर अब हम दोनों में नहीं जमेगी लगता है। टेक केयर। जल्दी जाना, चलना। सर, 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 सुनिए तो, सर, क्या, क्या चाहिए तुम्हें? सर, मैं हूँ लियो, सिंगर। उस दिन होटल में मिला था ना आपसे। ये सब कौन है भाई? सर, ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला था, आपने कहा था कि सीडी लेकर आना, इसलिए मैं सीडी लेकर आया हूँ सर। इसके लिए यहाँ आने की जरूरत है, घर या ऑफिस में देते? ठीक है फोन करना, मैं सुन के बताता हूँ। एक चांस दे दीजिए मुझे। अरे सुनने तो दो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तुम्हारी आवाज मैंने सुनी, ट्रैक गाने के लिए तैयार हो? मैं गाऊंगा सर। तो मैं स्टूडियो फोन कर देता हूँ, वहां जाके सीख लेना। थैंक यू सर। थैंक्स, अब बाद में। इन सब के साथ आके मुझे डराया मत करो,
मेरी इज्जत रख लेना। ये हमारे बारे में ही बात कर। क्या क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं सर। तो मैं स्टूडियो में जाऊं सर? हाँ जाओ। ठीक है सर। चल यार। हमेशा अच्छा हो गया, मिल गया उससे। सच्ची तो बोला। नहीं बैठ सकते? तू ठीक से गाना गा लेना यार। चल चल। अरे वॉल्यूम बढ़ा जरा। अजीब से लग रहा है। लिरिक्स सुरत थोड़ा ठीक है ना? ए चुप। प्यार हुआ चुपके से जिंदगी बहुत सासी होने लगी। उसी को हाई पिच में गाओ। मैंने प्यार किया इस जिंदगी से, ये जिंदगी की रीत है। आनंद मेरा बात सुनता ही नहीं है। इस जिंदगी थोड़ा चुप बैठिए ना। संगीत का सर गई है। कट 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 कट। ए गेट आउट। आप लोग बाहर जाइए जाइए। लगता है मुगले आजम बना रहा है। तुम्हारे दोस्त बहुत परेशान करते हैं सर। वो तुम आगे बढ़ने की सोचो, उनके साथ मत रहो। सॉरी सर। हाँ ठीक है, देखते हैं, मैं फोन करता हूँ। थैंक यू सर। अपने खुद की जगह पे मुझे ऐसे जीना पड़ रहा है, मुझे बहुत दुख होता है। ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है। ये नदी, ये सौंदर्य मेरे मन को छू देता है। वाह, मैं भूल नहीं सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, माँ कैसी हैं? आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की फ्यूजन है। ओ क्या ये जगह आप खरीदने वाले हो क्या? हाथ मत लगाना, ये सरकारी जगह है। दिल टूट चुका है, एक अच्छे मौके की तलाश में मैं अपने आप को कुछ बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। परिवार, दोस्त लोग, सब कुछ एक नाटक सा लगता है। वो आप बिजी हो इसलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा खासा तो कमा लिया। ये बात नहीं है दोस्त, जब कुछ नहीं होता है उसमें खुशी होती है, पता है तुम्हें? टीवी के सामने बैठकर जो कुछ मिलता था उसे खा लेते थे हम लोग उस टाइम। वो समय ही कुछ और था दोस्त। वो ठीक है। मस्ती करते हुए उठते थे हम लोग, जहाँ कहाँ वहीं चले जाते थे, अमरूद के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, सब कुछ तोड़ के खाते थे। वो समय ही कुछ और था। आजकल के बच्चों को वो सब कुछ कहाँ मिलता है? तुम फील कर रहे हो ये पता चल रहा है, लेकिन इतना जल्दी बदल जाओगे ये पता नहीं था। अपनी जगह को छोड़कर जब हम लोग बाहर चले जाते हैं ये दुख तो महसूस होता ही रहता है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ वो सब छोड़ के इधर आ जाओ। ठीक है, अगला प्लान क्या है? एक हफ्ते बहुत टाइट काम है यहाँ पर। वो सब तो ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? एक अच्छा सब्जेक्ट मिला है, नए लोग ही हैं, लेकिन कहानी अच्छी है, तुम भी एक बार सुन के देखो ना। सुन लेंगे, हमें क्या। ठीक है, कल इवनिंग कोई भी प्रोग्राम मत रखना, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ट्रीट का इंतजाम किया है। कोई और प्लान मत रखना। बाय। हेलो, कैसी हो मेरी बच्ची? हो गया। क्या हुआ भाई? मैंने अपना स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दिया यार। ओ। अगर ये फिल्म बन जाए ना तो बहुत मजा आ जाए। एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है यार। क्या इंटरनेशनल सब्जेक्ट, सोने भी नहीं देता। पहले किसी प्रोड्यूसर के पास जाके अपनी कहानी ओके करो, उसके बाद अपने मियां मिट्टू बनना। एक म्यूजिक म्यूजिक करते रहता है, एक कहानी कहानी करते रहता है, सोने भी नहीं देता यार। तुम कमरे में ही हो ना? हाँ हूँ ना। एक काम करना, मैं उधर आ रहा हूँ। नहीं, मुझे एक काम आ गया है, इसी के लिए आ रहा हूँ। हेलो हेलो। अपनी बेटी के लिए गिटार खरीदा था, तब इन्होंने बताया कि तुम अच्छी ट्यून बना लेती हो। डेविड, ये हमारी कहानी का डेवलपमेंट यही कर रहा है। ओ। विनय, वो कहानी के बारे में डिस्कस करना है। ये जो भी सब्जेक्ट ओके करता है मुझे जरूर सुनाता है। ये भी तुरंत ही ओके नहीं करता है। छोड़ ना यार, हम लोग अगले हफ्ते मिलते हैं। हाँ, वो गिटार जरा ट्यून कर देना प्लीज। मैं देख लूंगा सर।
स्वाति, हेलो स्वाति। बहुत ओवर स्मार्ट मत बनो। क्या हुआ? कल मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया? सिटी में जरा सा काम था। झूठ मत बोलो मुझसे। अभी मैं अपने कमरे में ही हूँ। ठीक है, देखते हैं। हे, तू इस वक्त यहाँ क्यों आई? तो फिर मुझे क्या करने को कह रहे हो? फोन किया तो तुम उठाते नहीं हो। मामला क्या है, जानने आई हूँ। क्यों यार घुमा के बात कर रहा है? पिछले हफ्ते ही तो किसी और लड़की से मिला था तुम, ये बात उसे बताई नहीं क्या? क्या? कौन सी लड़की? तो क्या यार, तुम्हीं ने तो बताया था। स्वाति से खूबसूरत है, उसकी आंखें नशीली हैं, वही गिटारिस्ट लक्ष्मी। हाँ हाँ, इसको बताने वाली सारी बातें तुमने छुपा के रखी है। इसका मतलब तुम सब लोग मिलके मुझे रुला रहे थे ना? हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम लोग निकलो, इसको भी लेके जा। चल जा। चल रहे। हाँ एंजॉय करो, एंजॉय करो। तुम्हारी वो लक्ष्मी मुझसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? उफ। हाय विनय सर, तुम प्रिपेयर हो ना? हम लोग बुधवार के शाम को मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर। क्यों भाई, ऐसे क्यों फिर रही है? पता नहीं यार, कल रात को इसने मुझे सोने भी नहीं दिया। ये कहानी बोलने के एक्साइटमेंट में इधर उधर घूम रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है यार। कल रात पूरा टॉयलेट में ही तो बैठा हुआ था, अब एक बार और जा, दिमाग क्यों खराब कर रहा है? अरे चुप करना। इतनी जल्दी हमें एक अच्छा प्रोड्यूसर मिल जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था, बहुत खुशी होती है। कल शाम को मिलने के लिए कहा था उन्होंने? हाँ हम पूरी तरह ट्राई करेंगे, तुम्हारी कहानी किसी तरह ओके हो जाएगी। अरे तुम ही हो मेरे सच्चे यार। सर, समुदाय में अपने आप को बदलने के लिए एक सब्जेक्ट, जिंदगी में एक मुख्य डिसीजन लेने वाला, वो अगर ठीक से नहीं जमता है तो मन में हलचल पैदा करने वाली एक लड़की की कहानी है ये। उसकी उदासी का क्या कारण था? सर उदाहरण के तौर पर एक एरोस्टस। वो पायलट के साथ एक नजदीकी रिश्ता बना लेती है। उन लोगों की अपने अपने कल्चर होती हैं। उनके घर में किसी को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो दोनों एक साथ मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। ओके। कुछ महीनों बाद उस आदमी की असलियत उस लड़की को पता चलने लग जाती है। उस पायलट के चाल चलन और बातचीत में बहुत फर्क है। वो जिन जिन से प्रॉमिस करता है उन लड़कियों में से एक ये भी है, उसे अच्छी तरह से पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो उससे दूर जा रहा है। ऐसे माहौल में एक लड़की को एडजस्ट करके जीना पड़ता है ना? जितना हो रहा था एडजस्ट करके जी रही थी। अगर फ्रेंड्स को खुश करके जीना हो तो? ओह, ये सब जो हो रहा है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रहा है। अमला, अब उसकी जिंदगी सिटी में अकेली चल रही है। इसी बीच वो माधुरी नाम की एक औरत के चक्कर में पड़ जाती है और उसे दोस्ती हो जाती है। इवेंट मैनेजमेंट, मॉडल कोऑर्डिनेशन कह के पैसे खराब करने वाले मालिकों को फ्रेंड्स को बिजनेस करके देती है वो लड़की। एक इवेंट में देवदत्त नाम का एक आदमी अमला से मिलता है। वैसे उसे क्लाइंट के रूप में मिलता है, लेकिन देवदत्त और अमला दोनों दोस्त हो जाते हैं। दो तीन आईटी कंपनी चलाने वाला मालिक ही है वो। ओह, एक हस्बैंड को जो सुख मिलना था वो कभी नहीं मिला। उसके साथ जो औरत थी वो हमेशा अपने आप को बिजी रखती थी, इसलिए वो अपने मन को तोड़ रहा है, ऐसे जी रहा है, वो खुद महसूस करता है एक अच्छा आदमी है। उस बिजनेस मैग्नेट के चक्कर में अमला फंस जाती है, वो माधुरी से झगड़ा करके अलग हो जाता है।
हेलो, ग्रीन लाइन टैक्सी सर्विस। हाँ बोलिए मैडम, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए और कितने बजे भेजनी पड़ेगी मुझे? कल 8 बजे, शाम सुबह 8 बजे भेजिए। मैडम एड्रेस दीजिए। एड्रेस मैं SMS कर देती हूँ। AC और नॉन AC मैडम? AC। ओके थैंक्स, हैव ए नाइस डे मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। आनंद तू बोल रहे हो ना? हाँ बोल रहा हूँ। मैं ट्रैवल से शुकू बोल रहा हूँ, एक अर्जेंट काम आ गया है। मैं बिजी हूँ, विजय से बात कर। हाँ उससे फोन किया तो तुम्हें फोन करने को बोला। मुझसे नहीं होगा, मुझे दूसरा काम है। प्लीज अनंत, नहीं होगा बोला ना, कस्टमर ने कल ही बुक कर दिया था। यही बगल में कस्टमर को मिस किया तो ऑनर मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ तुम्हारे ऑफिस तक लेकर आऊंगा। हाँ ठीक है बोलो बोलो बोलो। 500 रुपए लगेंगे। वहाँ से यहाँ छोड़ रहे हो बस यही ना? नहीं होगा तो किसी और को देख लेना। ठीक है मैं एड्रेस SMS कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। समय का मौका उठा के बहुत फायदा उठा रहा है ये तो। आठ बजे बोला था और अब 8:30 हो गए हैं। निकल गया मैडम, जल्दी पहुंच जाएगा वहाँ पर। सिटी में बहुत ट्रैफिक हो गया आजकल। ट्रैफिक ये सब बोलकर कहानी मत बनाइए आप। नहीं मैडम, गाड़ी अब पहुंच जाएगी वहाँ पर। ओके मैडम, ग्रीनलैंड से आया। मैंने टैक्सी मांगी थी, गुड्स की गाड़ी नहीं। वो इसको भी संभालना होगा क्या? ऑफिस से दूसरी गाड़ी आ जाएगी। कितनी बदबू आ रही है। थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। AC चाहिए कि नॉन AC चाहिए पूछा था, कहा AC चाहिए तो भी देखो कैसी गाड़ी भेजती है। ऊपर से देखो साफ तो होनी चाहिए। मुझ पे गुस्सा मत कीजिए मैडम, उस आदमी की गाड़ी अवेलेबल नहीं थी इसलिए मुझे भेजा है। सॉरी मैडम। ठीक है जाओ। पता नहीं गाड़ी कुछ ट्रबल कर रही है। क्या हुआ? एक मिनट रुके मैं देखता हूँ। ₹500 मांगा तो पता चल गया कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी थी। अब ये पनौती कैसे झेलूं मैं, ऊपर से गाड़ी। क्या हुआ? सॉरी मैडम, गाड़ी कुछ खराब हो गई है। ओहो, अब क्या करेंगे? मैडम एक मिनट रुकिए, मैं एक इंतजाम करता हूँ। हाँ भैया। क्या है रे? गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। ये गाड़ी अभी भी चला रहे हो तुम? हर दिन ये गाड़ी खराब होती रहती है। अगर आपको जल्दी जाना तो मेरी गाड़ी में आके बैठिए। ठीक है आप उस गाड़ी में बैठ जाइए। स्टार्ट करो। यही प्रॉब्लम थी क्या? पुरानी गाड़ी है, होता ही रहता है। अब तो गाड़ी ठीक से चलेगी ना? हाँ बिल्कुल चलेगी। हेलो मैडम, आप 7 बजे होटल सिटी पैलेस आ सकते? शाम को 7 बजे ना? हाँ ठीक है आता हूँ। मैडम घर पहुंच गए। मैडम क्या मुसीबत है?
मैडम 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 आराम से चलिए अब इसको क्या हो गया उल्टी करके माहौल खराब हो गया प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी गाड़ी रिपेयर होगी क्या देखो इसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं रात को हे भगवान ये क्या ऐसे आश्चर्य से देख रहे हो क्या हुआ कल रात को थोड़ी सी पी ली थी वो बोलने की जरूरत नहीं है आपको सॉरी तुम्हें बहुत तकलीफ दी मैंने अपने आप ही गाड़ी को पूरी तरह से साफ कर ली ऐसा कोई उल्टी करता है क्या कितनों को देखा है मैंने रात को सफाई करते करते इतनी देर हो गई कि सुबह हो गई फिर सोचा थोड़ा लेट जाऊं आराम कर लूं तब तक आप आ गई ये हमेशा थोड़ी ना होता है देखने में तो ऐसा नहीं लगता है तो मैं चलता हूं फिर एक मिनट हाँ ये लो हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है शाम को 5 बजे मुझे शहर जाना है आप आ जाएंगे ना आता हूँ आज भी उल्टी करेंगी आते टाइम एक बहुत बड़ा कवर लेकर आता हूँ क्यों भाई गाड़ी अच्छी तरह से ठीक कर ली ना ठीक कर दी यार स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी उसके बाद ठीक करके उठा ली अब दोबारा काम आया गाड़ी में लड़की को नंबर दिया तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो दोबारा फोन करेगी दोस्त के दुकान में था तो फोन आया उसका वहाँ जाके देखा तो मैडम फुल टाइट थी पैसे लिए बिना कैसे आता मैं इसीलिए वहीं पे कैसे भी सो गया मैं इसीलिए तो 2000 रुपये मिला है आज पैसे वाले देते हैं इसलिए तो सब जीते हैं प्रॉब्लम नहीं है वो अच्छे से बात करती हैं अच्छा तभी तुम इतना खर्च कर रहे हो क्या क्या बात है लेट हो रहा है मुझे जाना है लेट हो रहा है तो तुम जाओ लेट तो हो रहा है लेकिन तुम चाहो तो ऐसे डीजल भी भरवाना 24 घंटे कमाते रहते हो किस बैंक में डाल रहे हो बताओ इसकी जानकारी मुझे दो ना तुम जैसा कंजूस तो मैंने आज तक नहीं देखा कमाल के आदमी हो बहुत मेहनत कर रहा हूँ जिंदगी जीने के लिए ना आज मेरे पास पैसे वैसे नहीं है अकाउंट में रख लो ये लो तुम्हें कुछ देने को दिल कर रहा था इसलिए खरीदा अगली बार ऐसी शर्ट डालकर आओगे तो मैं शर्ट फाड़ दूंगी इस बात को ध्यान में रखना थैंक यू बाद में फोन कीजिएगा अनंतो
मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या अजीब सी बात कर रहे हो? जब समय निकलता है ना तो सबकी उछल पड़ती है। घुमाना फिराना छोड़ के सीधी बात करो। बिल्ली के जैसे आंख बंद करके दूध पीना ये मत सोचना। चलने दो चलने दो, जब फंसोगे ना तब पता चलेगा। अरे इसको ही लॉटरी लगना कहते हैं। चल यार तू भी। हेलो। हेलो अनंतु। हाँ कौन मैडम? हाँ मैं ही बोल रही हूँ। आप बैंगलोर से आ गई? आ गई। तुम बिजी हो क्या? थोड़ा बिजी हूँ इस वक्त। तो शाम को आओगे क्या? हाँ तो शाम को मिलते हैं। ओके। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग मैडम। आओ बैठो ना। मैं तो आज पिक्चर जाने वाला था लेकिन आपने फोन कर दिया इसलिए आ गया। ट्रक चला रहा था लेकिन ट्रक चलाने से पैसे ज्यादा मिलते हैं इसलिए। वही मिट्टी मिट्टी उठाने का काम है हमारा। जो एक हफ्ते में कमाते हैं वो एक दिन में कमा लेता हूँ, इसलिए थोड़ा बिजी था। क्या अचानक बैंगलोर जाकर आ गई आप? ठीक है मैं चलूँ क्या? कल कहीं जाना हो तो फोन कर दीजिएगा। आनंद तू। क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या है समझ में नहीं आ रहा। टेंशन था इसलिए तुम्हें फोन किया मैंने, लेकिन तुमने फोन अटेंड नहीं किया। हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आए क्या? जस्ट फॉर अ चेंज। इस वक्त रात को क्या? मैं अपनी गाड़ी में नहीं आया, दोस्त की बाइक में आया हूँ। क्या हुआ? तुम मेरे साथ आज यहाँ रह सकते हो क्या? कभी कभी मैं अकेली होती हूँ तो पागलपन का दौरा पड़ता है। ओहो किचन में दूध रखा है, भूल गई, मैं अभी आती हूँ। ठीक है तुम लोग जाओ यार, मैं पिक्चर के लिए नहीं आ रहा। क्यों भाई? नहीं रे मुझे अर्जेंट काम आ गया, रुकना पड़ेगा। ठीक है यार। ठीक है। क्या हुआ यहाँ आकर बैठ गए? मैं तो ऐसे ही गेम खेल रहा था। तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। ऐसा क्यों? Are you waiting for any call? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ। ऐसे रात में चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है ना? जिंदगी में ऐसे मौके कई बार कई लोग ऐसे ही गवा देते हैं, वो लोग शांति से भी जी नहीं सकते। ये स्मोकिंग भी एक एडिक्शन है, आदत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होती है। साउंडलेस, आउट ऑफ फोकस, जो भी करते हैं गलत ही लगता है। ओके यू जस्ट कैरी ऑन एनीवे। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अंदर कमरे में क्यों नहीं आकर सोए? मैंने बेडशीट भी बिछा कर रखी थी। टीवी देख रहा था वैसे ही सो गया, लेकिन मैं पागल नहीं हुआ,
यहाँ कुछ लोग जो हैं कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं और कभी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। शर्म नहीं आती? चुप करो ना। हेलो, क्यों जी, कहाँ है आप? हाँ बोल बंदरिया, क्या कर रही हो, इधर उधर घूम रही हो क्या? चुबे जंगली बैल। ओए, ठीक है ठीक है। ए, उल्टा सीधा मत बोलना, टिकट का पैसा पूछूंगा इसलिए नहीं आया ना तू? नहीं यार, एक जरूरी काम आ गया था। हाँ, बहुत बड़ा काम। पिक्चर देखने के लिए तो निकला था मैं घर से। फिर क्या हुआ? मैं वही आ रहा था लेकिन बैंगलोर से आके मैडम का फोन आया, तुरंत मिलना चाहती हूँ करके कह रही थी, इसलिए मैं उनके घर गया। वहां जाके देखा तो सेंटीमेंट में रो रही थी। मैंने कहा था ना यार, उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, रात को रोक सकती हो कि नहीं पूछ रही थी, झूठ नहीं बोल पाया यार। हाँ हाँ, तुम तो सच्चाई की मूर्ति हो, जिंदगी इसी का नाम है। चल भाग, तुम लोग हमेशा वैसे ही सोचते हो, वो ऐसी वैसी नहीं है, बहुत अच्छा कैरेक्टर उनका। माधुरी से तुम्हारा झगड़ा हो गया क्या? उसका क्या है, तुमको एक नया दोस्त जो मिल गया है? सुबह एक फोन आया था, जैसा तुम हमेशा बताती रहती हो उसने फोन किया, संजना थी वो, समझाएगी सोचे तो वो मेरी बीबी कहलाएगी बाद में। सच कह रहे हैं? That's a great news. चेहरे से पता चल रहा है आप कितने खुश हैं। Oh, thank God. वो बैंगलोर आने वाली है, आई शुड मीट हर ऑन 28th नेक्स्ट मंथ। आप जाइए, आपको मिस कर बहुत दुखी हो रही होंगी वो। आई एम श्योर शी विल बी बैक फॉर यू विद लॉट्स ऑफ लव। यस, शी विल बी बैक। संभाल के संभाल के। क्या ये बच्चों की तरह? हे, ये लगता है ये पागल वागल हो गई है। कुछ दूर पैदल चलें क्या? आप जाकर आओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा। तुम कितने आलसी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो। अरे चलो ना, कहाँ ना, बस थोड़ी दूर चलो, घूम कर आते हैं। अरे दोस्त, क्या माल है, क्या हीरो लड़की को लेके बीच में घूमने आया है क्या? जरा रास्ता छोड़ेंगे प्लीज। हाँ, वैसे छोड़ के जा सकती है क्या? क्यों भाई, ये जगह तुमको बहुत पसंद आ गई है क्या? देखिए, बेकार में परेशान मत कीजिए, हम आपको परेशान करने थोड़े आए। तू मेरे साथ क्या ले? छोड़ो, छोड़ इसको, चल चल, कहाँ जा रहा है? नहीं, तेरी तो ले जा रही हूँ। छोड़ो, छोड़ो, अबे छोड़, अबे छोड़, कहाँ जा रही है तुम? चले जाओ यहाँ से, तो जान से मार दूंगा। सॉरी बॉस, इसके बाद मत मारो, छोड़ दो हमें। मेरे जैसा बहुत लोगों को देख लिया मैंने। बहुत हुआ, माफ कर दो अबे। अरे लड़की के चक्कर में हमें मत मारो। भाग यहाँ से, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं, तुम सबको अंदर डालना चाहिए। भाग यहाँ से। अरे कूल बॉस, क्या कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया? अरे बहुत गुस्से वाला है, मारता हमें यार। देख लूंगा ऐसे बार। मैं बहुत डर गई थी जब उन लोगों ने अटैक किया था। मैं जिंदगी में बहुत कुछ हार चुकी हूँ और बहुत खो चुकी हूँ। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो ना अंतो? आपकी जिंदगी बहुत सुनसान है लगता है। अपने लोग मेरा नाम पुकारे तो ही मुझे अच्छा लगता है। अनंतो,
सर, शुरू से ही अनंतु की बातें, समुदाय में पैसे इकट्ठा करने के लिए वो जो कर रहा था, उसे देखने पर उस लड़की को उसे बहुत पसंद हो गया। एक बार उसने बार में बहुत ज्यादा पी ली थी, तब उसे सुरक्षित घर ले गया। गुंडों से भी उसने उसे कई बार बचाया। उसे वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से देखने लगी। बेंगलुरु में जब अमला अपनी दोस्त से मिलने गई, तब अपना नाम खराब करके वापस आते वक्त उसने सोचा कि अनंतु के साथ ही जिंदगी गुजारना। एक बार पहले से ही वो टूट चुकी थी अपनी जिंदगी में, इसलिए वो अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती। अरे वही सिचुएशन है डेविड, देवदत्त के साथ वो डिस्टेंस मेंटेन करके आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी उसके दिल को चोट पहुंचाएगी। जब कोई अकेला परेशान रहता है और उसको किसी का साथ मिलता है, तो वो अकेलापन उसको अपना लेता है, उसके साथ रहने के लिए दिल तड़पता है। एक लाइफ सिक्योरिटी है, उसे देखते ही उसे वैसा लगता था जैसे पहले उसे जिसे पसंद था उससे शायद अच्छा लगता था ये। देवदत्त और संजना के रियूनियन शुरू होने से पहले अनंत का अमला से मिलने का एक कारण हो सकता। क्यों भाई आजकल नजर नहीं आ रहे हो तुम तो? अरे आप है क्या? थोड़ा काम में बिजी था। वो एयर होस्टेस हमें से गाड़ी मंगा रही है क्या? गांव में सब यही बात कर रहे हैं, वो लोग तो ऐसा कुछ बोलते ही रहते हैं। तुम पूरे दिन वहीं पे पड़े रहते हो सुना है? एक अच्छे इंसान बनने की सोचो भाई। एयर होस्टेस थी, आजकल शहर में कुछ धंधा करने की सोच रही है। पली बड़ी पूरा बैंगलोर में, लेकिन हमारे गांव की गाड़ी लेके जा रहा हूँ। वही मंगा रही है क्या? हाँ, नहीं 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 कहीं और। लक्ष्मी ने फोन किया था, तुम उसे फोन नहीं कर रहे आजकल। उसने फोन किया था और तुम नहीं उठा रहे उसका फोन। वो पागल है, उसको मेरे बारे में सोचने बगैर पढ़ने को बोलो उसे। अरे भाग्यवान, इसको एक नया कस्टमर मिल गया, बस इसको गाड़ी चलानी है, बहुत बिजी हो गया है। गाड़ी चलाते वक्त फोन थोड़ी उठाते हैं कोई, पुलिस वाले कैमरा लेके खड़े हैं आजकल। मैं उसको समझाऊंगी, अगर समझ जाएगी तो अच्छा है। ठीक है, मुझे निकलना है, आप घर को लॉक कर दो। हेलो। What a pleasant surprise sir, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। Fantastic, चांस ही नहीं था। I'm sorry, where is your Anandu? आनंद तो बाहर गए हैं। You're very interesting Amla, are you serious? अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन जब मैं कभी कभी अकेली होती हूँ, जिंदगी में जो भी हुआ है उसे सोचकर डर लगता है। मेरा फैसला सही है या गलत पता नहीं, लेकिन एक बात जानती हूँ, आनंद तो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। उसके साथ रहती हूँ तो आई फील मोर सेफ। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिंदगी में जो हो गया उसे सोच के पछताओ मत, तू सब कुछ ठीक ही होगा। सर, मैं आपको हर्ट कर रही हूँ? नेवर। अमला, हम जिसे चाहते हैं उसकी खुशी के लिए हमारे दिल में एक चाह पैदा होती है। मेरे दिल में चाह कि तुम्हें आके मिलूं और अनंत से कहना कि मैं उसे याद कर रहा था। ओके। वो घर तक आएंगे मैंने सोचा भी नहीं था, तुम्हें देखने के लिए बहुत इंतजार भी किया, मोबाइल ट्राई किया तो नॉट रीचेबल आ रहा था, फ्लाइट का टाइम हो गया इसलिए वो चले गए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, कई बार उन्होंने मुझे एडवाइस भी दी है। तो
तुम क्यों कुछ भी नहीं बोल रहे हो? तुम बोलती रहो, मैं सुनता रहूं। कैसे हैं आप मैडम? मैं बाहर जाके आता हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये सब कर रही हो? उस लड़के के बारे में पूछने के लिए कोई नहीं है क्या? देवन ने मुझे जब ये बात बताई तो मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा है। देखिए, अगर मेरी गलतियां निकालने के लिए ही आप यहाँ पर आई हैं, तो एक कॉफी पीकर चली जाइए। आजकल तुम बहुत मजाक करने लगी हो। इस उम्र में अपने साथ किसी को रखना अच्छी बात ही है। अभी अभी तो ये गेम शुरू हुआ है ना? जब तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी तो वो खुद से खुद चला जाएगा, समझी? तब तक इस घर में रहने के लिए तुम जगह देनी है या बाहर निकालना है उसका फैसला मैं करूँगी। मेरे पर्सनल विषय में किसी का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लगता। क्या मुझे देखते ही तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? सच कहूँ तो तुम्हें देखकर ही मुझे डर लगता है। थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बहुत थैंक्स। मैंने उस दिन तुमसे ऐसे बात की थी, उसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम आज भी सपनों में ही जी रही हो। तुम सपनों की जिंदगी में जी रही हो ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। तुम जैसी कितनी ही लड़कियों को मैंने समझाया है। 17 साल की उम्र में मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। शुरू शुरू में मुझे बहुत ही अजीब सा लगता था। इसके बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल अकेली जी रही थी, तब मुझे तुम जैसी एक लड़की मिली जो मेरी जिंदगी में बहुत क्लोज हो। तुम्हारा ही भरोसा करके मैं तुम्हें जिंदगी में कुछ बनाना चाहती थी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, सिर्फ तुमको ही नहीं, मैंने किसी लड़की को मिसयूज नहीं किया। ये भी एक्टिंग ही है या? तुम मुझे जरूर गलत समझ रही हो ना? हाँ, कल ही की तो बात है। अरे दोस्त, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? क्या कह रहे हो यार, बड़ी मुसीबत में फंस गया था। वो कोई मुसीबत नहीं है। हाय। क्या यार, आजकल तुम नजर ही नहीं आते। मैं यहीं पे था, घर की सफाई किए बहुत दिन हो गया, टाइम ही नहीं मिल रहा था, वही काम कर रहा था। टाइम कैसे मिलेगा, डबल ड्यूटी जो कर रहा है आजकल। अरे उसका जरा नाम तो बताओ। तुम जैसे सोच रहे हो वैसे नहीं है यार, बहुत अच्छी है। बहुत डिसेंट है। ग्रीनलैंड में जब मैं गाड़ी चलाता था ना, जब वो फुल टाइट होती थी ना, तो मैं घर छोड़ के आता था। हाँ, मेरे हाथों से ही इसके हाथ में लगी है ये। बड़ी तेज धार है वो। 4 दीवारों तक जो हुआ वही याद है इसे, उसके बाद तो पुलिस स्टेशन में ही सीधा उठा। बड़े बड़े कॉन्टेक्ट है, हम थोड़ी जाके फंस सकते हैं वहाँ पे। जब तुम्हें नहीं चाहिए तो बोलना, मैं चले जाता हूँ। रास्कल, मैंने तुम्हें कहा ना कि वो ऐसे टाइप की नहीं है। छोड़ो, फालतू में बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। यही साला बना हुआ उसका मामा। पीछे घूमते वक्त बहुत अच्छा ही लगता है, एक ही रूम में रहना, सोना, खाना पीना। छोड़ूंगा नहीं। मेरे ऊपर ही हाथ रखे, कह रहा हूँ ना, जा यहाँ से। चल साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मुझे छोड़, छोड़। अरे क्यों बेकार के बंगल लेते हो उससे हमेशा? अरे उसकी किस्मत में है, उसे एंजॉय करने दो। हाँ, शार्प 6:30, आई बी देयर। ओके, तुम्हें अब जाना ही होगा। आनंद तो आएगा तो सब मिलकर बाहर जाते हैं। नहीं, ऑगस्ट ग्रुप का बहुत बड़ा लॉन्च है, मैं उसे खत्म करके ही आऊंगी। ये सब छोड़कर तुम कब सेटल होना चाहती हो ये बताओ। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती। अमला, भगवान तुम पे बहुत खुश है। He is more mature. रिच, लवेबल, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं तुम्हें उपदेश देना नहीं चाहती,
तुमने जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, वो गलत है, ये सोच के आज भी पछता रही हो। सो आगे भी समझदारी से कदम उठाना। मैंने जो कहा उसे समझो। ओके बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। ये क्या ऐसे देख रहे हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या कह के गई है तुम्हारी वो दोस्त? बहुत अच्छा लड़का है, उसे खुश रखना, इस तरह तुम्हारा ज्यादा बाहर जाना ठीक नहीं, ऐसा कह रही थी। क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ हाथ लगाया, क्या हुआ? ओहो, ये चोट कैसे लगी? कल हमारे यहाँ झगड़ा हो गया था, नीचे गिर गया तो चोट लग गई होगी। ये झगड़ा वगड़ा बंद कर सकते हो ना, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हो जाती हूँ। अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो? तुम्हारे बारे में ये लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इससे पहले भी उनको वार्न किया था, मान ही नहीं रहे। अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए, दोस्तों ने बचा लिया उसको, ये तो उसको मार डालता। तुम मुझे जो चाहते हो अगर वो सच्चा है तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? तुम्हारे पास रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि तुम मुझे बहुत प्यार से देखती हो, मेरे दिल को छू जाती है। तुम्हें अकेला छोड़ के जाना मुझसे नहीं हो पाएगा शायद। तो तुम भी सबकी तरह ही हो ना, मेरे जिस्म को ही चाहते हो। कैसी बातें करती हो, मुझे समझती क्यों नहीं? मैं ही तुम्हें ढूंढती हुई आई थी ना, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझ पे दया करने की जरूरत नहीं है। दिल की बातों को कैसे कहना मुझे पता नहीं, हमेशा की तरह झगड़ा करके दूर होने की सोच रहे हो। ठीक है, ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, दूर होकर सो जाओ। कल तुम मेरी जिंदगी में नहीं होगे तो भी मुझे जीना होगा। ऐसा तो नहीं होने वाला, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। पहले ही बहुत परेशानी झेल रहे हो, जरा संभल के रहना, वो तुम पे गुस्सा जरूर होगा। जाने बोलो उसको। अच्छा ये बता, उस लड़की पर क्या जादू तो ना किया और उसे फंसाया? बकवास करेगा तू भी मार खाएगा। मेरी गाड़ी वर्कशॉप में, मुझे पैसे चाहिए, इसीलिए तुमसे मांगने आया था। नासिर खान को तुम्हारे बारे में मैंने बताया है, पिछले दफा तुमने ठीक से पैसे नहीं दिया ना, वही कारण है। हो सके तो अपनी मैडम से पैसे मांग के देखो। उनकी बिजनेस पार्टनर उनसे अलग हो गई, इसलिए उनकी हालत भी टाइट है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है यार। कुछ अच्छा काम हो तो सोचना पड़ेगा। उसी दिन जब तुमने ये गाड़ी ली थी मैंने कहा था ना, इससे अच्छा एक ऑटो ले लो। क्या करें, पैसे हाथ में टिकते ही नहीं है। ठीक है, एक तरह से उस गाड़ी के कारण ही तुम्हें वो लड़की मिली ना। लगता है तू मार खा के ही जाएगा। नाराज क्यों हो रहे हो, मजाक कर रहा था। मुझे 2-3 जगह कलेक्शन के लिए जाना है, रात तक कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ, तू अपना काम करना। कैसे भी रेडी करके मैं देख लूंगा। ये मेरे शंकर मामा हैं। ओह, लगता है दारू पीकर आ रहे। अरे कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ये सब काम छोड़ दो, तुम कहाँ मेरी बात सुनोगे? तुम तो अपनी चलाते हो ना। चलाओ। मुझे छोड़ के जा सकते हो क्या तुम? ये लड़की बहुत तेज है,
तुम्हारा पूरा खून चूस लेगी। मैं कहता हूँ रास्ता छोड़ दो, जो भी हम बाद में बात करेंगे। अबे जा बे, तुझे मेरी जरूरत नहीं है। अरे इसको छोड़ के दूसरे लोगों को ढूंढो ना तुम। वो सब छोड़ो, अगर उससे भी दिल नहीं भरेगा तुम्हारा तो किसी हट्टे कट्टे को ढूंढ लो। अनंतो के मामा हो इसलिए छोड़ रही हूँ। इनसे इंसल्ट कराने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो क्या? गाड़ी चलाओ कह रही हूँ ना। मैंने कहा ना दारू पी की ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तुम बेवजह परेशान कर रहे हो। तुम हम सबको भूल जाओ, लेकिन लक्ष्मी को मत भूलना। ये एक डायन है, बहुत गलत औरत है, इसकी शक्ल से लगता है मुझे हमारा परिवार खराब कर देगी। मेरी बात सुनो, ये शंकर मामा बोल रहा तुम्हें। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। हाँ। क्या हो गया? उठिए उठिए, चलिए। हाँ उठिए, आइए। कभी खुश नहीं रहोगे, मैं कहता हूँ कभी खुश। छोड़ो ना भैया। हाँ। मैंने उसे अपनी बाजों पे बिठा के बड़ा किया है। जब उसका कोई नहीं था तब मैं उसे अपने पास लाया। मैं हूँ वो जिसने इसे इतना बड़ा किया। आजकल वो बहुत बड़ा आदमी बन गया लगता है। पता नहीं कहाँ से वो लड़की आई है और उसके लिए मेरे साथ झगड़ा करके चला गया वो। बिल्कुल मुझे ये चाहिए। हाँ। हम 11 बजे वहां पहुंच जाएंगे। मुझे डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद शॉपिंग करना है। नो, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, किसी और को अरेंज कर लो। शॉपिंग खत्म करने के बाद अगर टाइम मिला तो मिलती हूँ। ओके बाय। गुस्सा करते हो तो बहुत अजीब लगते हो, माधुरी के विरोधी बस अब तुम ही हो। अभी तुम गुस्सा हो क्या? छोड़ो गुस्सा को, उस बूढ़े ने शराब पीकर बस ऐसा वैसा बोल दिया, उसका गुस्सा ही मैंने तुम पर उतार दिया ना। अभी भी इतने गुस्से में क्यों हो? बूढ़ा कह रही हो? जिसने मुझे पाला पोसा उसी पे हाथ उठा दिया, उनका सामना कैसे करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार से मुझे नीचे उतरना ही नहीं चाहिए था। उसके बारे में सोचकर चिंता मत करो, हम जाकर उनसे माफी मांग लेते हैं। हम शहर तक जाकर आए क्या? मैं नहीं आ रहा, शहर ही क्या, मैं कहीं भी साथ नहीं आ रहा। अनंतो मुझे एक डॉक्टर से मिलना है, प्लीज। दूसरों की जरूरत के आगे मैं एक रिमोट बन के रह गया हूँ। उनकी परेशानी और दुख दर्द के बीच मैं खुद को भूल जाता हूँ। मुझसे तुम गहरों की तरह क्यों बात कर रहे हो? मुझे देखकर गुस्सा आ रहा है क्या? यहाँ रहूंगा तो और पागल हो जाऊंगा, थोड़ी देर भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो मैं भी साथ में आती हूँ। मैंने जो गलती की आप क्यों माफी मांगेंगी? क्या कहा आप? आओ थोड़ी देर पैदल चलते हैं। तुम्हें देख के मुझे दया आती है, तुमने जो कहा है वही मुझे सही लगता है। उस लड़के की तो तारीफ करनी पड़ेगी, उसके पास कुछ न कुछ तो हुनर है। अनंत तो फोन नहीं उठा रहा है, उसके मामा के साथ झगड़ा होके इसलिए टेंशन में था। मैं तुम्हें काफी समय से देखती आ रही हूँ अमला, प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे। कुछ नहीं, नथिंग। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता रहता है। तुम माँ बनने वाली हो ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये तुम्हें पता है? लड़की की जिंदगी में उसका माँ बनना बहुत महत्व रखता है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जैसा तुमने सोचा एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बी चेयरफुल, कम ऑन,
मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, उसे खत्म करके मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। चलो। तू टेंशन मत लेना, हर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन जरूर होता है। तुम जैसे सोच रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है यार। ठीक है वो सब छोड़ो, वो लड़की क्या कह रही ये बता। वो क्या कहेगी, उसकी शक्ल देखने से बहुत फील होता है मुझे, क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है यार। ठीक है तुम टेंशन मत लेना, मैं शंकर दादा को देख के आता हूँ। मामे के साथ जो किया ठीक नहीं किया यार। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। तुझे एक पार्टी देनी पड़ेगी, उसे कहना तुम्हें बहुत याद कर रही थी। ओके ठीक है, चलती हूँ। बाय। शहर में तो सब कह रहे थे कि आपने पीना छोड़ दिया है। लेकिन आजकल आप वहीं पर ही सोते हैं। आपको देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। काम खत्म करके आते वक्त बहुत भीड़ थी वहाँ पर, बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ मैं। तुमसे कुछ पूछने वाला कोई है ही नहीं। मैं जिसे मारूं ऐसा कोई नहीं है यहाँ। तुम भी है और देखो ये भी बैठी हुई है। उसने मुझे धक्का दे के नीचे गिरा दिया। पता कितने लोगों ने देखा वहाँ। तुम मुझे धक्का दे के कहते ना, वहां मैं तुम्हें कितनी बार उठा के लाया हूँ पता है तुम्हें, और उसी जगह तुमने मुझे धक्का दे दिया। हाँ हल्का सा धक्का दिया था, मुझे नहीं पता कि नीचे गिर जाओगे। उन्हें उठा के लेके आ सकते थे ना तुम। चलो छोड़ो, ये बताओ लड़की के पीछे क्यों जाते हो। गांव वाले सब बेकार की बातें करते हैं, उससे मैं ही परेशान हूँ। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, जैसे घर में कोई काम ही नहीं है। मैं घर जा रही हूँ, तुम आ रही हो ना, मुझे घर में जाके खाना बनाना है। हेलो, हाँ हाँ ओके कर दो यार। हेलो जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? ठीक है जाइए। थर्सडे ही ना, मैं पहुंच जाऊंगा, आता हूँ। हेलो, क्यों सर, आज घूमने नहीं गए क्या? अच्छा सुनो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे बारे में बहुत बोला है, आजकल बहुत घूम रहे हो ना? तुम बिल्कुल बदल रही हो। कॉलेज में बहुत सारे स्मार्ट लड़के मेरे पीछे घूम रहे हैं। हाँ। तुम्हारे बारे में जब मम्मी ने मुझे बोला तो मैंने उन्हें डांट दिया था, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा। प्रॉब्लम क्या है? अमला मुझे बहुत पसंद करती है। ये क्या कह रहे हैं, अगर उसे पसंद है तो क्या कर सकते हैं? मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? तुम्हें वो पसंद नहीं है। मुझे पसंद हो, मुझे तुम भी पसंद हो, अमलू भी पसंद है। अमलू बहुत बेचारी है, उसका कोई नहीं है। तो मैं बेचारी नहीं हूँ क्या? मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, मेरे बारे में कुछ तो सोचो तुम। पता नहीं कब मैं तुम्हें भूल गया। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। मैं अभी उसे छोड़ के नहीं आ सकता लक्ष्मी। मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तो खुश हो, चलो अब कुछ खा के आते हैं। लक्ष्मी ऐसा क्यों कर बैठी, मामा मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? उनके बच्चे नहीं है ना, इसलिए उसको बेटी की तरफ। वो लड़की इस तरह का व्यवहार करेगी किसी ने सोचा भी नहीं। उसका मन खराब था इसलिए ऐसा कुछ बोल दिया होगा। तुम अपने दिल में कुछ मत रखना। लक्ष्मी को मैं इतने दिनों पहचान नहीं पाया, मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के सारी बातें दिल खोल के बताया है। बेचारी है यार वो। खैर छोड़ो यार, टेंशन मत ले। हाँ बोले यार, हम लोग लक्ष्मी को देखने आए। हाँ ठीक है, तुम आओ तो सही।
अनंतु के लिए हमला बोझ बन गई थी, ये तो नेचुरल है। अनंतु पहली ट्रीटमेंट से ही उदास हो गया था। शंकर गांव वालों के साथ मिलकर बहुत उदास रहने लगा था। लक्ष्मी को उसने पसंद नहीं किया फील कर रही थी। गांव में प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी इसलिए लक्ष्मी छुट्टी लेकर गांव आ गई थी। अनंतु अमला से प्यार करता है ऐसे कहते ही उसका मन पूरी तरह से उदास हो गया था। लक्ष्मी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। क्यों डायरेक्टर, ये ठीक रहेगा ना? तुम ही बताओ कैसा लगा? तुमने तो पूरी कहानी सुन ली है ना? बाहर तो इसी तरह की बातें करते हैं, अंदर ही अंदर जो लड़की प्यार करते रहती है ना उन लोगों से बच के रहना चाहिए। कहानी थोड़ी पुरानी टाइप की लग रही है, आजकल की जनरेशन इसे पसंद नहीं करेगी ना। बाहर निकल रही, तुझसे ही निपटने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। अरे बाहर आ रही, चाहे पुलिस अजक को ये मैं देख लूंगा आज। तुम दरवाजा खोल रहे हो तो मैं तोड़ के अंदर घुस जाऊँ। दरवाजा पूरी तरह तोड़ दे, हॉस्पिटल में अगर वो लड़की मर जाती तो तुम्हारी पूरी कहानी खत्म। ए बाहर निकल, मैं बुला रहा हूँ तुमको। अरे 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 कोई प्रॉब्लम मत करो यार, कुछ मत करो। मैं चल, सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी। पूरी जिंदगी बर्बाद करके ये यहाँ सुकून की जिंदगी जी रही है, हम लोग मर्द हो के किस काम के है बोलो? तू अपना काम देख चल। अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते यार? तुम लोग जिस तरह बोल रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है यार। हॉस्पिटल में अनंती के साथ जो बोल रहा था वही सुन के आया हूँ मैं। जो बोल रहा हूँ सुनो ना यार। ओए तुम लोग यहाँ क्या काम है? तुम लोग हमेशा मार खाने चले आते हो क्या? तुम्हारी जो वो है ना उससे हिसाब किताब करने आए हैं। आज उनसे कुछ बात करके हम यहाँ से जाएंगे, समझ लो, नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। जान से मार डालूंगा तुम लोगों को। अरे जाजा, मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाले मेरे मामा का श्राप है ये। ये सब होना ही था मेरे साथ। वो क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं? जुबान बंद कर कर लेटे रहो, वो सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? इससे ज्यादा बोले तो मुंह में कॉटन घुसेर दूंगी। सब कुछ कर कर अब पछता रहा है। तुमने मुझसे कभी भी कहा कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है? उसके बारे में अगर पता होता तो तुम्हारे करीब में कभी नहीं आती। तुम सच में एक मर्द हो, मेरे दिल में प्यार पैदा करके मुझे रुलाने वाले एक और मर्द। ये दवा ले लो, दर्द कम हो जाएगा। ये लो, पेन किलर है, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। मुझे सोना नहीं है, तुम बस मेरे साथ ही रहो। ये सब ठीक है, बहुत बात कर रहे हो। कल सुबह जाकर उस लड़की को समझा देना। लक्ष्मी बेचारी है, क्या कर रही होगी? बहुत दे आ रही बेचारी। जिंदगी में जो कुछ भी मैंने चाहा है उसी ने मुझे धोखा दिया है। जिंदगी इसी तरह से हो गई है। शायद मैंने जिंदगी में बहुत गलत कदम उठाए हैं, इसलिए ये भी उसका एक कारण हो गया। बेकार में तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तुम मेरे बगैर रह भी नहीं पा रहे हो और छोड़ भी नहीं पा रहे हो।
दिलो जान से चाहने वाली उस लड़की के लिए तुम्हारा प्यार मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही बना रहे। तुम उसको हमेशा खुश रखना। उससे ज्यादा प्यार शायद मैं भी तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, मैं भी यही समझती हूँ। कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश रही, उसी खुशी के साथ तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मुझे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी इसका मुझे भरोसा है। अनंतु को ट्रीट करके घर छोड़कर चली जाती है अमला। उसकी जिंदगी से निकल के एक नई जिंदगी शुरू करने चली जाती है। ओ, ऐसी हुई ये कहानी। सबको वहाँ छोड़कर वो माधुरी की लाइन पर चल पड़ती है। कहानी में कोई खास दम नहीं है, इसका क्लाइमेक्स अच्छा होना चाहिए। क्यों डायरेक्टर? हम भी उसी कंफ्यूजन में है। ओके, वहां तक तो सब ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक सॉफ्ट स्टोरी है, मुझे पसंद है। देखो तुम्हारी माशुका आ रही है, परफॉर्मेंस के बाद क्या होगा कैसे होगा ये भगवान ही जाने। ये गाना बहुत अच्छा कंपोज किया हुआ है, सबको बहुत ही पसंद आया सिवाय एक के। मुझे हमेशा परेशान क्यों करते हो? देखो मुझसे उलझा मत करो। वो लड़की ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अरे यार बहुत प्यारी चीज है वो, पता नहीं किसी ने उसे फंसा लिया यार। हाँ, तुम एक सुंदरी, तुम लाजवाब हो, कोई दूसरा नहीं। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत। हाँ तुम एक सुंदरी। उस लड़की को देखिए क्या क्या बोल पड़ा वो, वहीं पे नाटक शुरू कर दिया देख लो तुम। हाँ, उसने भी बहुत कोशिश की होगी लेकिन उसने तुमसे बात की ना। चांस ही नहीं है यार, अगले जन्म में अगर मैं सिंगर बन गया ना तो महीने में एक लड़की को जरूर मंदिर में लेके आऊंगा। हे भगवान। क्या यार हो गया? अरे 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 मजाक कर रहा है। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा, परेशान मत करो। रुको तो सही, वो लड़की इतनी सुंदर है बोल रहे हैं, उसका मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे अच्छी तरह पता है तुम मुझसे ही प्यार करते हो। अच्छा ये बताओ वो मुझसे भी सुंदर है क्या? तुम इतनी मौन हो, उसका कारण जान सकता हूं क्या मैं? सोच के जवाब दो, हम अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, फिर भी तुम उसे गलत मत समझना। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिंदगी से बहुत कुछ चाहती थी लेकिन उसके बदले में मुझे तो धोखा ही धोखा मिला। सॉरी सर। एनीवे हाउ इज मैम, सब ठीक हो गया ना? या एवरीथिंग इज ओके। लीव इट मैम, हम कुछ और बात करें क्या? अगले हफ्ते तुम यहीं पे रहोगे? मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, एक डिस्कशन है सर। एक हफ्ता वहीं पर रहूंगा सर। हाँ लियो, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। और तुम्हारा गाया हुआ ट्रैक भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन प्रोड्यूसर की कमिटमेंट कुछ और थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। इट्स ओके सर, चलो बाद में मिलते हैं। हाँ ओके, ठीक है सर। नया सिंगर करके डर रहे हो क्या? मुझे किस बात का डर? मेरी जिंदगी में जब मैंने चांस मांगा था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगर इंसान में काबिलियत है तो कुछ भी कर सकता है, यही मेरा मानना। कुछ ना कुछ बोल ही लो। लाइंस मुझे बहुत अच्छी लगी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। दिल में जो कुछ भी था उसे मैंने बयान कर दिया। इसे कंपोज करेंगे तो अच्छा गाना बनेगा। रियली ही इज अ गुड कंपोजर।
मैडम के बारे में कुछ नहीं बोला, वो खुश है ना? या मैंने तुमसे पहले कहा था ना एक मीडिएटर है करके, वही उसका बॉयफ्रेंड है आजकल, वो उसके साथ ही हमेशा खुश रहती है, शायद उसको वही पसंद हो। वो दोनों आपस में बहुत एंजॉय करते हैं, मैंने सुना। शी इज मोर यंग एंड सेटिस्फाइड, उसको लीगली डाइवर्स चाहिए। उसके लिए एक कॉम्प्रोमाइज मीटिंग करनी है बस। तुमने जैसे मुझसे पहले कहा था, और उसकी खुशी के लिए एक बहुत अच्छा कंपोजर शायद मैं नहीं बन पाया हूं आजकल में। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये सब हो जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा। हेलो, ओके सर, मधु वेट कर रही है, चलती हूँ। गुड नाइट, सी यू सर। इसके आगे तू मुझे समझ नहीं पा रही हूँ, क्या मैं सोच सकता हूँ? सर मैं अमला, जब आपको प्यार नहीं मिलता है तो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते, लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते। ऐसे मैटर मेट्रो सिटीज में होते रहते हैं ना यार, कहानी में एक दमदार मोड़ आया है। मैं एक सच्चाई बताऊं क्या, ये ऑलमोस्ट एक सच्ची कहानी है। सच कह रहे हो? मुझे भी कई जगह लगा कि ये हकीकत है। बहुत महीनों से ये उसका पीछा कर रहा था। हाँ सर, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिखाया।